नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में फिर से बीजेपी की वापसी होने के बाद से ही माफिया और अपराधियों की शामत आई हुई है। शपथ ग्रहण से पहले ही भू माफियाओं की काली कमाई पर योगी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। जहां हाल ही में हापुड़ में भू माफियाओं के अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर गरजा और इससे पहले मेरठ में भी कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो की करोड़ों की अवैध संपत्ति को उठाया गया। कानपुर में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। इसी कड़ी में अब जौनपुर में बुलडोजर ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, यहां सदर तहसील लाइन के रंजीतपुर गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाए गए निजी गोदाम को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। इस सरकारी जमीन पर एक दबंग ने कई सालों से कब्जा कर रखा था, अब इस जमीन वापस से सरकारी उपयोग में लाई जाएगी। प्रशासन के बुलडोजर चलने से भू माफिया में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नगर जौनपुर के कई इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा करके होटल समेत अन्य प्रतिष्ठान बनाए गए हैं। हालांकि इससे पहले तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने बताया कि बहुत दिनों से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। जिला प्रशासन ने तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कब्जा की गई भूमि पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को बुलडोजर की मदद से ढा दिया। इसके साथ ही सख्त चेतावनी दी कि जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। वैसे भी सीएम योगी ने चुनाव के दौरान ये साफ कह दिया था कि बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेज दिया गया है और 10 मार्च के बाद फिर से माफिया और अपराधियों के ठिकाने पर बुलडोजर गरजेगा। एक बार आप भी सुनिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। चुनाव से पहले योगी का ये वादा फिर से जमीनी स्तर पर दिखने लगा है, इसीलिए तो अब लोग सीएम योगी को बुलडोजर वाले बाबा कहकर पुकार रहे हैं। खराब पड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस बुलडोजर का उपयोग किया, आज वो उसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आमतौर पर नेताओं को लोग सार्वजनिक कार्यक्रम में स्मृति के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां या फिर गदा तलवार धनुष बाण देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपहार में चांदी का बुलडोजर मिला है। गोरखपुर में गीता वस्त्र के डायरेक्टर शंभू शाह और संजय शाह ने सीएम योगी को चांदी का बुलडोजर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। इसको देखने के बाद सीएम योगी काफी देर तक मुस्कुराते रहे। अब आप समझ सकते हैं कि बुलडोजर कितना मशहूर हो गया है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।